प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह नेपाल के दो दिन के दौरे पर काठमांडू पहुंचे। त्रिभुवन हवाई अड्डे पर प्रोटोकॉल से हटकर नेपाल के प्रधानमंत्री सुशील कोइराला ने नरेंद्र मोदी की आगवानी की। बाद में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर के साथ तोपों की सलामी दी गई। बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेपाल यात्रा को ऐतिहासिक करार दिया है। भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने उम्मीद जाहिर की है कि प्रधानमंत्री की नेपाल यात्रा बेहद सफल साबित होगी। नेपाल में भूस्खलन के बाद नदी में जमे मलबे को हटाने के लिए नेपाली सेना द्वारा किए गए कम तीव्रता वाले विस्फोट के बाद बिहार में आज कोसी नदी का जल स्तर और बढ़ गया। भूस्खलन की वजह से जमा हुए मलबे के कारण कोसी नदी में पानी का बहाव रुका। भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि सरकार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में इस तरह के हादसे देखे गए हैं और अब कोसी क्षेत्र में इस तरह की आपदा आने की संभावना है। कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने कहा कि सरकार को हर साल आने वाली इस तरह की आपदा का कोई स्थायी समाधान निकालना चाहिए। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल गाजा पट्टी पर हमले जारी रखेगा। नेतन्याहू ने कहा कि आतंकी संगठन को इजराइल पर हमला करने की बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। राष्ट्रमंडल खेल आज हो जाएंगे संपन्न। भारत ने स्क्वाश में कल रचा इतिहास। दीपिका पल्लिकल और ज्योत्सना चिनप्पा की जोड़ी ने महिला युगल में पहली बार जीता स्वर्ण पदक। विजेंदर सिंह सहित सभी भारतीय मुक्केबाज स्वर्ण पदक से चूके। हृदय रोग और मधुमेह सहित कई गंभीर बीमारियों की दवाएं अब सस्ती हो जाएंगी। राष्ट्रीय दवा मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने 108 और दवाओं का अधिकतम खुदरा मूल्य तय कर दिया है। ये दवाएं आवश्यक दवा सूची यानी ELM में शामिल नहीं हैं। आज राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की जयंती है। हिंदी साहित्य के प्रखर नक्षत्र और माँ भारती के वरद पुत्र मैथिली शरण गुप्त का जन्म 30 अगस्त सन 1886 में चीरगांव झांसी में हुआ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि प्रदान की।